नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ते। अज की क्लास में आप वायरलैस टैक्नोलॉजी रिलेटेड इंपोर्टेंट एमसीक्यू नू कवर करेंगे। एंड इस तो पहले वायरलैस टैक्नोलॉजी की थ्योरी विच क्लासेस मैं तुम्हें अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा दी है। जो तुम वीडियोज़ नहीं देखी तो वीडियो के एंड उन्होंने वीडियोज़ के लिंक मिल जाएगा, एक बार विजिट जरूर कर लियो। क्वेश्चन नंबर एक की गल करिए दोस्तों, वाईफाई के अंदर एक स्टैंडर्ड सैट किया होंगे फ्रीकुएंसी का, जिसका एक नंबर होंगे। तो उस बारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तो IEEE 802.11b स्टैंडर्ड की फ्रीकुएंसी रेंज कितनी होंगी है? तो 2.4 गीगा हर्टज इसकी रेंज होंगी है। क्वेश्चन नंबर टू की गल करिए, IEEE 802.11n की स्टैंडर्ड की फ्रीकुएंसी रेंज कितनी होंगी है? तो 2.4 गीगा हर्टज एंड 5 गीगा हर्टज के बीचकार जिहड़ी कि IEEE 802.11n की जिहड़ी स्टैंडर्ड फ्रीकुएंसी रहती है। क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, 5G टैक्नोलॉजी की है? यह मोबाइल नैटवर्क की पंजवीं पीढ़ी है। जी 5G टैक्नोलॉजी आप फ्यूचर में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर की गल करिए, किहड़े बयान 5G टैक्नोलॉजी लई सही हैं? तो नीचे लिखिए, यह सारे जिहड़े बयान ने 5G टैक्नोलॉजी नाल सही ने। नंबर एक की गल करिए, 5G कंपनी का कोई निजी मालिक नहीं है, मतलब कि कोई भी जिहड़ा कि मालिक नहीं है इस कंपनी का। जिन्नी भी मोबाइल कंपनियां ने इन्होंने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके 5G टैक्नोलॉजी को अगे अपग्रेड किया है। एंड ऑप्शन नंबर टू की गल करिए, बहुत सारिया मोबाइल कंपनियां 5G लियाने विच योगदान पा रही हैं, जिवें कि मैं तुहानू ऑलरेडी दस दिता। अते क्वालकम कंपनी 5G टैक्नोलॉजी विच मुख्य भूमिका अदा कर रही है। ये तिने गल्लां बिल्कुल सच ने 5G टैक्नोलॉजी नाल जुड़ियां होईयां। एंड दोस्तों देखो, जो तुम वायरलैस टैक्नोलॉजी रिलेटड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल बाय करना चाहते हो, जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर तुम इस इंपोर्टेंट PDF फाइल में बाय कर सकते हो। काफ़ी कैंडीडेट्स ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर लिया। जो तुम भी अपने एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो जरूर इस PDF फाइल में बाय कर लियो। क्वेश्चन नंबर 5 की गल करिए, 5G टैक्नोलॉजी में वो तो डेटा स्पीड रेट कितनी है? तो वो तो वो हाई स्पीड मिल जाए इस 20 Gbps जी स्पीड अपन मिलती है। मीनस इंडिया भी इस तरह यह टैक्नोलॉजी रिलीज़ नहीं हुई, बट जापान और साउथ कोरिया में यह ऑलरेडी हो चुकी है। तो उतो अंदाजा ला सकते हैं कि 20 Gbps स्पीड 5G टैक्नोलॉजी नाल प्रोवाइड होंगी है। क्वेश्चन नंबर 6 की गल करिए, भारत का पहला 5G नैटवर्क ट्रायल किस द्वारा दिता गया? एयरटेल एंड हवाई कंपनी ने हैदराबाद में 28 जनवरी में जोड़ा 5G का पहला ट्रायल दिता सी। दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, सिर्फ वीडियो में देखा ना करो, अपनी नोटबुक पर भी नाल दी नाल इन्हां नूं राइट डाउन जरूर कर लिया करो, फिर ही तुहाडी एग्जाम की तैयारी परफेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की गल करिए, किस किस्म का एंटीना 5G टैक्नोलॉजी लई वरत्या जाता है? तो मैसिव मीमो नाम का एक एंटीना होंगे जो 5G टैक्नोलॉजी में यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, किस किस्म का एंटीना 4G मोबाइल टैक्नोलॉजी में वरत्या जाता है? तो मीमो, जिसकी फुल फॉर्म है मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, नामक यह एंटीना 4G टैक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। 5G टैक्नोलॉजी है उस विच मैसिव मीमो, और जो 4G टैक्नोलॉजी है उस विच ओनली मीमो। क्वेश्चन नंबर 9 की गल करिए, 5G टैक्नोलॉजी किस टैक्नोलॉजी पर आधारित है? नीचे इन्हों के नाम देख सकते हो, यह सारी टैक्नोलॉजी के नाम ने OFDM NR सब 6 GHz ते MM वेव। एंड जो PDF फाइल मैं तुम्हें बाय करने कहना है, उस PDF फाइल में इन्हों के पूरे फुल फॉर्म और डिटेल में इन्हों सारी टैक्नोलॉजी बारे मैनशन किया गया है, तो करके काफ़ी इंपोर्टेंट PDF फाइल हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की गल करिए, OFDM टैक्नोलॉजी का पूरा नाम क्या है? ऑर्थोगोनल फ्रीकुएंसी डिसीजन मल्टीप्लैक्सिंग इस का पूरा नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, NR टैक्नोलॉजी का पूरा नाम की है? तो न्यू रेडियो एक्सेस इस टैक्नोलॉजी का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, सब 6 GHz टैक्नोलॉजी का पूरा नाम की है? तो मोबाइल डाटा फ्रीकुएंसी अंडर 6 GHz इस टैक्नोलॉजी का विस्तृत रूप है। एंड देखो दोस्तों, जो तुम कंप्यूटर के एग्जाम वास्ते बेस्ट बुक फाइंड कर रहे हो तो उसका लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है। करना की है, तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, तो इस कैश ऑन डिलीवरी अमेजोन तो ऑर्डर कर लेना। अमेजोन तो ऑर्डर क्यों कर रहे हैं दोस्तों? यह लेटेस्ट एडिशन बुक है, शायद तुम्हें तो मार्केट में ना मिले, इस करके तुम सिर्फ अमेजोन तो इस ऑर्डर कर सकते हो एंड कैश ऑन डिलीवरी भी तुम्हें तो यह डिलीवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, MM वेव टैक्नोलॉजी का पूरा नाम क्या है? तो मिलीमीटर वेव इस टैक्नोलॉजी का पूरा नाम है।
ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਈਫਾਈ ਸਪੀਡ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ MBPS ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਈਫਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2.4 ਗੀਗਾ ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਗੀਗਾ ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਈਫਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ WALN ਯਾਨੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਈਫਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਈਫਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਉਹ ਹੈਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ 1885 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਈਫਾਈ ਕਿਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ 1991 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 4G ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਲਟਰਾ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਨਾਮਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ 4G ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਨਣ ਯੋਗ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਹੋ ਗਈ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 4G ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਰਿਲੇਟਡ ਕਲਾਸ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।